आम आदमी के लिए करोड़पति बनना एक सपने के जैसा है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब आपका ये सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है, जी हाँ, अब आप भी करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ हर महीने कुछ पैसे बचाकर। आपने बहुत बार सुना होगा कि बचत करके करोड़पति बने, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे? तो बिस्तक आपको बताएगा कि कैसे आप सेविंग के जरिए करोड़पति बनने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। PPF खाते की ब्याज दरें हर 3 महीने में तय होती हैं, और ये वही अकाउंट है जिसके जरिए आपके करोड़पति बनने का सपना साकार हो सकता है। लेकिन करोड़पति बनना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप हर महीने इसमें कितना निवेश करते हैं। जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, उतना ही आप करोड़पति बनने के सपने के नजदीक पहुंचेंगे। अब आपको इसका पूरा तरीका समझाते हैं। दरअसल PPF में कम से कम 15 सालों के लिए निवेश किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप लंबे समय का कोई फाइनेंशियल गोल रखते हैं तो इसे चुन सकते हैं। 15 साल के लॉक इन पीरियड के बाद भी इसे 5-5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसमें 15, 20, 25, 30 साल तक निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए PPF सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सरकारी गारंटी मिलती है। फिक्स्ड इनकम ऑप्शन में सबसे पॉपुलर स्कीम PPF ही है। इसके अलावा इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट को क्लेम भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसमें कितने समय तक कितना निवेश करना होगा। अगर शुरुआत में हर महीने 4,585 रुपए का निवेश करते हैं तो आप 35 साल में करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपको 35 सालों तक 7.9% की दर से ब्याज मिलता रहे। इसके अलावा 30 साल में करोड़पति बनने के लिए आपको हर महीने 6,945 रुपए का निवेश करना होगा। वहीं अगर आप 25 साल में अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो आप हर महीने 10,720 रुपए का निवेश PPF में कर सकते हैं। सालाना 1.5 लाख रुपए की निवेश लिमिट के तहत आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। हर महीने 12,500 रुपए का निवेश करने से और 7.9% की दर से ब्याज मिलने पर आप 23 साल में करोड़पति बन सकते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प है, आप 15 साल के लॉक इन पीरियड के बाद PPF में निवेश करना बंद कर दें और इसके बाद अगर पैसे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए की रकम मिल सकती है। ऐसा करके 35 साल में 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए आपको 15 साल तक हर महीने 6,270 रुपए का निवेश करना होगा। 15 साल तक इतना निवेश करने के बाद आपके पास 21.87 लाख रुपए होंगे। अगर इसके बाद PPF में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो अगले 20 साल में आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं। हर महीने 9,165 रुपए का निवेश करते हैं तो आप 30 साल में ही इस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप आसान और बिना किसी जोखिम के निवेश करना चाहते हैं तो ये सबसे सही विकल्प होगा।